बहुत कम आवाज आई है, सेरा जेम ओनली वन, हाय शाबाश, बहुत कम है मगर मजबूत है। कुछ कहेंगी इस शो को आप देख रही हैं शुरू से? बिल्कुल जाइए नहीं, कुछ इन्होंने इतनी सारी मेहनत की है, इसके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। बहुत सारे कलाकार हैं, वैसे आप सभी कलाकार हो, तो आप सभी कलाकार और ये महानुभाव है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूसुफ भाई प्लीज़ यहाँ आ जाइए, यूसुफ भाई और इतने सारे कलाकार और हमारे जो भी लेजेंड अभी यहाँ पर आए हुए हैं, सारे कलाकार इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, मैं नाम तो अभी सब आएंगे जब लूँगी। और सबसे पहले तो मेरे पास आइए, तो सभी कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कब्र खोल कर देखोगे तो आपकी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। तालियां इस पे जोरदार बजती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले ही कहा था कि ये शो अब तक की जितनी सफलता मिली आपके लिए मिली है, और अब जो इंटरवल के बाद जो पिक्चर शुरू होने वाली है वो बेहतरीन नगमों की झड़ी होगी। और रेखा जी के लिए भी गुलदस्ता तो मैं ज़रूर लूँगी, बट कुछ कहना भी चाहूँगी कि किसी सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक लेडी का हाथ होता है, वो दोस्त भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है। तो आज यूसुफ भाई यहाँ, इनकी मेहनत तो खूब है बट इनके पीछे अगर हाथ हो इनकी सफलता के लिए, तो गीता दी का हाथ है। इनके लिए ज़ोरदार तालियां, यूसुफ भाई के लिए ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा मंच सभी कलाकारों को देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ख़ुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत रखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ो आप, हमारी तरफ से यही दुआ है आपको। जी नीलम शर्मा जी, हमारे एक ही मैसेज पर और एक ही कॉल पे यहाँ आए हैं, मैं दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। और मैं चाहूँगा गुलदस्ते से रेखा झालन जी इनका स्वागत करेगी। तालियाँ होनी चाहिए दोस्तों, जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे संस्कार हैं कि हम इन्हें तालियों से नवाजिश करें। थैंक यू वेरी मच दीदी, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका माइक लो, लेडीज़ वाला माइक मैं लूँगा, लेडीज़ की गाने में। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। लेडीज़ की आवाज़ मत निकालना।